फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में भाई बहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिवेणी ऑल इन वन में स्वागत है आपका। तो आज है संडे, संडे को भी मैं बहुत जल्दी उठी थी और मैंने अपना पूरा काम निपटा लिया था। मैंने लॉन्ड्री भी डाली है, नाश्ता बनाया और यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मिनी विवेक को खिला रही है और विवेक मिनी को खिला रही है। एक्चुअली जो ये भाई बहन की बॉन्ड है ना, सिर्फ विवेक और मिनी ही नहीं तो सारे भाई बहन आपस में तो ये बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत लड़ते हैं। मेरी मम्मी, तेरी मम्मी, तेरा सामान, मेरा चॉकलेट, तेरा चॉकलेट। लेकिन जब भी कोई और तीसरा उनके बारे में अगर कुछ बोलता है तो ज़रूर लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा ही होता है, भाई बहन का प्यार बहुत ही अनमोल, बहुत ही प्यारा होता है और हमें इस रिश्ते का रेस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि सभी को रिश्ते को हर उम्र में समझना चाहिए और इसे कायम रखना चाहिए। हैप्पी संडे सभी को। जा रहे हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के व्लॉग में मैंने बोला था कि विवेक को खाना था पैराडाइज की बिरयानी। पैराडाइज जो है वो हैदराबाद का बहुत ही फेमस बिरयानी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिरयानी मिलता है और ये हमारे घर के बहुत ही पास में, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस में एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है। पास में है तो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक का टेंशन नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं आज बिरयानी टेस्ट करने विवेक की डिमांड पर। तो मैं वहाँ की बिरयानी खा के ज़रूर आपको बताऊँगी कि कैसा है। ये उपल में नया खुला है तो चलिए दिखाती हूँ आपको बिरयानी। मम्मी क्या है? मिनी इतना शांत क्यों है यहाँ पे? कोई गाना वाना चला के रखना चाहिए। मिनी क्या चाहिए? एक्चुअली हमें खाना ऑर्डर करके बहुत टाइम हो गया लेकिन खाना बहुत ही लेट से आया था और सर्विसिंग भी उतनी खास लगी नहीं मुझे। ये विवेक की प्लेट में है चिकन। कैसा है चिकन? मिनी खा रही है चिकन। हमने बिरयानी खा ली और विवेक को और चिकन चाहिए था तो फिर ये लेग पीसेस विवेक के लिए मंगाया गया जो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उसके बाद मिनी की शरारतें देखिए, बस मिनी ने एक चिकन लेग पीस खाया, आधा खाया होगा उसने और थोड़े से सिर्फ ओनली राइस खाए। खाना उतना स्पाइसी नहीं था तो मिनी भी खा ही लेती है, बस वो अपना फ़ोन देखने में लगी है। बाहर बहुत ज़्यादा परेशान करती है इसलिए मैं थोड़ा सा फ़ोन दे के उसको शांत रखने की कोशिश करती हूँ। Thank you.
फिर हम आए आइकिया स्टोर। आइकिया स्टोर की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन क्वालिटी और बहुत डिसेंट होती है, अच्छी होती है क्वालिटी में। मैंने मिनी के लिए ऐसा देखा था हाई चेयर, बट मैंने दूसरा मंगाया था। और यहाँ पे देखिए शॉप नाउ एंड अर्न अ मिलियन रुपीज़। वाह, बिज़नेस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब खुद भी अर्न करो और दूसरों को बस ये झांसा दो कि हम आपको पैसे दे देंगे। वाह देखिए यहाँ पे ये है, मतलब रियल प्लांट्स भी बिक रहे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो बहुत ही महंगे थे और बाहर जो नॉर्मली बेचते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, तो हमें बाहर लेना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी ऑफर्स थी लेकिन मैं तो सिर्फ कास्ट आयरन और आयरन की यूज़ करती हूँ, तो ये मेरी चीज़ का नहीं है, बस देखने में अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे वैसे घर के जो भी आइटम्स होते हैं ना उन्हें देखने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब क्या नया है, किस चीज़ का क्या यूज़ है, ये सब हमें ऐसे स्टोर जाके बहुत ईजिली पता चल जाता है। ऋतिक को बुलाना है। ठीक है, अब विवेक अपने फ्रेंड को बुलाएगा और उसके साथ खेलेगा, है ना?